उज्जैन सीरत कमेटी के तत्वावधान में हर वर्ष जो मुस्लिम समाज का ईद मिलादुन्नबी जुलूस निकाला जाता है उसे कोविड-19 के चलते इस वर्ष निरस्त कर दिया गया। सीरत कमेटी के सह सचिव सैयद मकसूद अली ने जानकारी देते हुए बताया कि आज प्रशासन के साथ कंट्रोल रूम पर मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सीरत कमेटी के अध्यक्ष शाकिर हुसैन खाल वाले, शहर काजी खलीकुर रहमान और सीरत कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इसमें निर्णय लिया गया कि कोरोना महामारी के चलते 30 अक्टूबर को निकलने वाले जुलूस को निरस्त किया गया। मकसूद अली ने जानकारी दी कि 31 अक्टूबर को छतरी चौक पर जो जलसा होगा उसकी अनुमति विधिवत ली जाएगी। लगभग 50 सालों से सीरत नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर के ईद मिलाद नबी के जुलूस सीरत कमेटी द्वारा निकाला जाता है। हर साल भी लाखों की संख्या इकट्ठी होती थी, वो करीबन 50,000 के इकट्ठे लोग होकर जुलूस निकालते थे। सीरत कमेटी की मीटिंग 2 दिन पहले हुई, हमने तय करा गया कि इस बार प्रशासन हमको 100 लोगों की परमिशन दे रहा था, बाकी 100 लोगों की परमिशन में हमें बहुत दिक्कत थी, हम किसको उस जुलूस में शामिल करते और किसको नहीं करते, इसलिए हमने सीरत कमेटी में तय करा कि इस बार जुलूस नहीं निकालेंगे। और आज जिला प्रशासन की मीटिंग में सभी अधिकारी, ADM साहब, एडिशनल SPO, सभी CSPO, सारे थाना प्रभारी लोग थे, उसमें हमने बताया कि सीरत कमेटी की तरफ से हमने जुलूस कैंसिल कर दिया है, क्योंकि 31 अक्टूबर को जलसे का प्रोग्राम है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक उसमें तकरीर होती थी, वो कार्यक्रम के लिए हमने परमिशन के लिए आवेदन दे दिया है, वो जलसे की परमिशन इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। मैं सभी लोगों से, मुस्लिम भाइयों से खासतौर से गुजारिश करता हूँ कि ईद मिलाद नबी का जुलूस जो हमने निरस्त करा है, जो अदर समाज के लोगों ने जो जुलूस है उनके भी निरस्त करें। ये मीटिंग हमारी दशहरे के पहले होना थी, बाकी हमने मीटिंग दशहरे के बाद इसलिए रखी कि हमने दूसरे कार्यक्रम भी देखे, उन्होंने भी अपनी भागीदारी करी, उन्होंने भी कुर्बानी दी और हम मुसलमान रहे, हमने भी कुर्बानी देकर ईद मिलाद नबी का जुलूस कैंसिल करा। मैं सैयद मकसूद अली, सीरत कमेटी का सचिव और प्रवक्ता।